इस वीडियो में आपको टॉप 2 ऑसम कंट्रोल सेंटर चेंज MIUI थीम्स दिखाने वाला हूं और आपका MIUI 13 है तो वो भी सपोर्ट करेगा कंट्रोल सेंटर। पहला जो थीम है इसका आप लॉक स्क्रीन देखिए, इस टाइप का है, आपको 24 आवर्स में क्लॉक विजेट इस टाइप का दिया गया है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, लुक्स काफ़ी ढांसू है लॉक स्क्रीन का, सिंपल वॉइस किया गया है और इसमें आपको एक चार्जिंग इंडिकेटर आप इसको कह सकते हो, एनिमेशन तो नहीं कहेंगे, जब भी आप चार्जिंग पे लगाओगे आप नोटिस कीजिएगा इधर और इधर नीचे, तो इधर आपको परसेंटेज शो करता है, इधर आपको एक चार्जिंग सिंबल शो करता है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, वेदर के साथ आपको शो करेगा। स्वाइप टू अनलॉक है, जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो आपको होम स्क्रीन इस टाइप का दिखेगा, होम स्क्रीन भी काफ़ी मस्त है। क्लॉक विजेट में आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, एक ही क्लॉक विजेट में आपको बहुत सारी चीज़ दिखाएगा और ये वाला चीज़ एक्चुअली लाइव है, आपको काफ़ी पसंद आएगा ये वाला देखने में। वॉलपेपर भी सेम ही है जो लॉक स्क्रीन में था वो ही है। आइकॉन्स पैक की बात करें तो आइकॉन्स पैक आप देखोगे शाइनी इफेक्ट में दिया गया है, इस टाइप का आइकॉन्स पैक बहुत ही शाइनी लुक्स काफ़ी पसंद आएगा आपको, चेंजेस है एक्चुअली। और कंट्रोल सेंटर की बात करें तो भाई वन ऑफ द बेस्ट कंट्रोल सेंटर है, बहुत ही ढांसू है इस टाइप का, आप देख सकते हो बहुत ही ढांसू है, MIUI 13 सपोर्टेड है जैसे कि आप देख सकते हो। और जहाँ पे नोटिफिकेशन आता है इधर भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा, क्लियर बटन भी चेंजेस है, स्टेटस बार में जो आइकॉन है ये भी चेंजेस है, बैटरी में जो आइकॉन है जो परसेंटेज शो करता है वो आपको इस तरह से शो करेगा। कंट्रोल सेंटर टॉगल्स तो काफ़ी मस्त है, जिसके ऊपर आप टैप करोगे तो वो इस तरह से उभर के निकल के आ जाएगा बूंद की तरह, बहुत ही ऑसम है। पीछे का जो बैकग्राउंड है ये भी चेंज है। सेटिंग UI की बात करें तो सेटिंग UI में भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा, आइकॉन्स बहुत सेम टू सेम ही रहेगा लेकिन पीछे का बैकग्राउंड चेंजेस है। और कमाल की बात है कि ये जो थीम है डार्क मोड को भी सपोर्ट करता है, और हाँ ये एक्चुअली डिज़ाइन है, आप ये मत सोचना कि स्क्रीन टूटा हुआ है, एक्चुअली डिज़ाइन है पीछे का जो बैकग्राउंड है, तो ये डार्क मोड को भी सपोर्ट करेगा, तो डार्क मोड में भी आप इसको यूज़ कर पाओगे, काफ़ी बेहतरीन है। और इस थीम की खास बात है कि मैंने चेक किया है कि जो क्लॉक है एक्चुअली ये आपको जो है चेंज देखने को मिलेगा इंटरफेस में, इस टाइप का दिखेगा, उसी के साथ साथ जो कैलकुलेटर है वो भी आपको इंटरफेस चेंज देखने को मिलेगा, बहुत ही ढांसू लगा। इस थीम का जो नाम है आपको थीम स्टोर में सर्च करना होगा, ए लिख के आप यही सेम टू सेम लिखिएगा तो आपको पहले ही ऑप्शन में मिल जाएगा, 59.3 MB का ही इसके ओनर है, आप इसको फ्रीली डाउनलोड करके अप्लाई कर पाओगे, एप्टोर का जो इंटरफेस है ये भी चेंज कर देगा, तो इस टाइप का भी आपको थीम स्टोर में देखने को मिलेगा जब इस थीम को आप अप्लाई करोगे। दूसरा जो थीम है इसका आप लॉक स्क्रीन देखिए, इस टाइप का है, वॉलपेपर काफ़ी अच्छा है लॉक स्क्रीन का, और हाँ सिंपल सा है, कोई भी इधर चेंजेस वगैरह नहीं है लॉक स्क्रीन में उतना ज़्यादा, स्वाइप टू अनलॉक है, जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो होम स्क्रीन इस टाइप का दिखेगा, सेम वॉलपेपर है, इधर भी क्लॉक विजेट सेम ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है। आइकॉन्स पैक इधर आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा, बहुत ही यूनिक टाइप का आइकॉन्स पैक देखने को मिलेगा आपको, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और कमाल की बात है कि इसका जो कंट्रोल सेंटर है आपको इस तरह का यूनिक और ऑसम कंट्रोल सेंटर मिलेगा, MIUI 13 सपोर्टेड है जैसे कि आप देख सकते हो, और जिस टॉगल के ऊपर आप टैप करोगे तो पहले रेड रहता है, जैसे ही टैप करके वो एनेबल करोगे तो वो एक्चुअली येलो कलर में हो जाता है, जो काफ़ी पसंद आएगा आपको, ये वाला एक्चुअली यूनिक टाइप का है, ये वाला ब्राइटनेस का और वॉल्यूम का ये भी आपको पसंद आएगा। और जहाँ पे नोटिफिकेशन आता है इधर आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा इस साइड में, और स्टेटस वाला जो आइकॉन्स है एक चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम ही है। सेटिंग UI में भी आपको जो है आइकॉन्स में और पीछे का बैकग्राउंड सेम ही है, चेंजेस नहीं है। लेकिन कमाल की बात है कि ये जो थीम है डार्क मोड को भी सपोर्ट करता है, तो डार्क मोड में भी आप इस थीम को यूज़ कर पाओगे, डार्क मोड भी काफ़ी अच्छा लगेगा। उसका जो नाम है आपको थीम स्टोर में सर्च करना होगा, Xeon Minimal, तो आपको पहले ही ऑप्शन में मिल जाएगा, 13.4 MB का है, इसके ओनर है, आप इसको भी फ्रीली डाउनलोड कर पाओगे आपके Xiaomi, Redmi या फिर Poco फोन में जहाँ पे MIUI चलता है।